नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय देश भर में आक्रोश है और वो आक्रोश आज वसई में दिखाई दे रहा है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड, जघन्यतम हत्याकांड जो हुआ है उसको लेकर आज यहां पर एक मार्च, दो अलग अलग संस्थाओं ने एक मार्च निकाला, जिसमें आप हमारे पीछे बैनर देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा संस्था एक इनके बैनर तले था तो दूसरा आमची वसई के बैनर तले था। हमारे साथ यहाँ कुछ सामाजिक लोग और कानूनविद है। हम सबसे पहले कानूनविद एडवोकेट साहब से बात करते हैं, गोड साहब से, और इस बारे में जानते हैं कि क्या प्रोविजन होने चाहिए, किस तरह से इसका आगे होना चाहिए। गोड साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं एडवोकेट हरीश गौड़ वसई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं उसके लिए जो कानूनी विधि है उसको टाइम बाउंडिंग किया जाए। इस तरह के जघन्य अपराध को कम से कम समय में प्रक्रिया अपना करके उसको सजा दिलाई जाए, क्योंकि आज देखा जाए तो कोर्ट में ऐसे जो केसेस होते हैं बहुत प्रॉब्लम टाइम लगता है और पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। तो मैं ये अपील करूँगा सरकार से कि इसमें जो टाइम बाउंड प्रोविजन है, जो आप देखेंगे कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट लाने के लिए आप दो दो साल लग जाते हैं कोर्ट में आने के लिए और कैसे प्रलंबित रहती हैं, तो हम देखें, आप देखेंगे माया कि मेडिकल अगर ब्लड रिपोर्ट लेना है तो तुरंत दो दिन में मिल जाता है हम लोग को, बड़े से बड़ा रिपोर्ट 5-6 दिन में मिल जाता है टेक्निकली, लेकिन ये फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आता है वो बहुत लेट आता है, जिसकी वजह से न्याय प्रक्रिया में लेट होता है। तो इस तरह के जघन्य अपराध जो है उसके लिए सख्त से सख्त कानून बना करके और जो विधि प्रक्रिया है कोर्ट में, जो फास्ट ट्रैक है उसमें कोर्ट के लिए स्टाफ, जजेस और समन्स की प्रक्रिया है उसको जल्द गति से देने के लिए सरकार एक नया कानून लाए और उसमें या संशोधन करे और जो लिबरलाइजेशन जो कायदा है उसको रद्द करे, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश, भारत देश साधु संतों का देश है और इसमें पुरुषोत्तम मर्यादा राम की जो महिमा दी जाती है, इसमें कभी ये नहीं बताया गया कि एक स्त्री जो विवाहित हो या एक लड़की हो वो दूसरे पर पुरुष से संबंध में आए, बिना शादी के रिलेशन में आए, तो हमारी ये सभ्यता है वो कभी भी अलाउड नहीं करती है कि पर पुरुष रह जाए बिना विवाहित हुए। जो ये रिलेशन कायदा लाया गया है वो भारत की जो गरिमा को नीचे असले पर ले जा रहा है, और आज जो ये कांड हुआ है श्रद्धा वालकर का, ये एक रिलेशन में अगर नहीं रहती थी, माँ बाप की अगर बात मानती थी तो आज इसके 35 टुकड़े हुए वो नहीं होता था। हरीश जी, आप एक एडवोकेट है, वकील है, और अभी हाल ही में मोरबी में एक हादसा हुआ था जहां वकीलों ने ये निर्णय किया कि उस केस, उस हादसे के जिम्मेदार लोगों का वो केस नहीं लड़ेंगे, तो क्या आपको चाहिए कि इस तरह के मामलों में वकील भी एकजुट हो और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो कुछ कानूनी तौर पर थोड़ा बहुत जो बोलते हैं कि सकड़ी गली मिलती है वो मिलने से बचा हो? सही बोला आपने कि ये डिसाइड करना चाहिए, हमारी न्याय व्यवस्था बोलती है कि कोई भी अपराधी है उसको वकील मिलना चाहिए, लेकिन जैसा ये हो रहा है जघन्य अपराध उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसे अपराधियों को वकील बायकॉट करे और उनका केस ना लड़े। कानून में प्रोविजन है कि वकील देना चाहिए कोई भी अपराधी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, लेकिन ऐसे जघन्य अपराधी को वकील मिले और न्याय दिलाने में मदद करे ये बायकॉट करना होगा, तभी जा करके ऐसे जघन्य अपराधियों को कहीं ना कहीं उसको लगाम लगेगी और समाज में ऐसे जो क्रूरता से हत्याएं हो रही है वो कहीं ना कहीं बंद होगा। बबलू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आज के मोर्चे के बारे में और क्या रूपरेखा थी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस संस्था को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम वो आगे आके ये बहनों की बेटियों की पीड़ाओं को लेके, पूरे संगठन को लेके इन्होंने जो कार्य किया वो, उसके लिए मैं इनको प्रशंसा करता हूँ, इसका मैं निषेध करता हूँ संस्था की तरफ से भी और परिवार की तरफ से भी। आप साहब के खिलाफ भी किस तरह से मामला चलना चाहिए और क्या उसका परिणाम होना चाहिए, क्या आपकी मांग? वकील साहब ने भी बताया आपको कि ये जो प्रोसीजर चल रहा है लंबा, इनका ये लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टाइम पे कोर्ट का निर्णय आके इनको फांसी देना चाहिए। हाँ, आप अपना नाम? मेरा नाम सूर्यवान शुक्ला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर?
स्वास्थ्य सेवा संस्था के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि जो ये आज के समय में जो लव जिहाद जैसे ये मामले चल रहे हैं, इस पर विशेष सरकार को ध्यान दे के कुछ नया कानून लाना चाहिए और इसको जल्द से जल्द कुछ नया कानून ला के बंद करना चाहिए इसे। आप क्या, आपकी क्या राय रही? देखिए, ये जो घटना हुई वो दुखद है। इसके अंदर किसी भी आप आम इंसान से पूछोगे तो राय उस चीज़ की निषेध की रहेगी। इंटरकास्ट मैरिज होते रहते हैं, भारत है, बहुत सारे परिवार है जो आपस में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उससे किसी भी चीज़ को किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इस तरीके से लव जिहाद के जो केस होते हैं उसके ऊपर हमेशा हम निषेध ही करेंगे। अक्सर पुलिस की जो भूमिका है वो थोड़ी ढीलेपन वाली रहती है, लेकिन यहाँ इस मामले में वसई पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया और एक ब्लाइंड सा दिखने वाला केस जो शायद कभी सामने ना आ पाता, उस केस को क्या, उस बारे में आप पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मानपुर पुलिस स्टेशन का को कि हम पहले पिक्चर में डायलॉग सुनते थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज यही कहावत मानपुर पुलिस स्टेशन ने सिद्ध करके दिखाया है कि लड़की यहाँ रहती थी वसई में महाराष्ट्र में और कांड हुआ दिल्ली में, लेकिन पुलिस ने इतने अच्छी तरह से कार्रवाई किया और उसकी छानबीन की कि दिल्ली से उसका कहाँ पे पता है सब कुछ निकाला और जाके वहाँ FIR हुई और उसको अफ्ताब को अरेस्ट करा गया। तो मानपुर पुलिस स्टेशन ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। पुलिस के ऊपर उंगलियाँ उठती रहती हैं, लेकिन बोला जाता है कि पुलिस को भी बहुत से कानून के बंधन होते हैं कि जहाँ पर पुलिस कभी कभी नहीं पहुँच पाती है, हाथ साथ नहीं दे पाती है, लेकिन जहाँ उनको लगता है कि सच में कहीं ना कहीं ये घटना घट रही है और गलत है और पुलिस वहाँ पर दक्षता से काम करती है, तो सच में ऐसा जो आज किया है पुलिस ने वो सराहनीय योग्य है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपस की, ऐसा कहीं भी अगर होता है तो ऑल ओवर इंडिया में मानपुर पुलिस स्टेशन जो किया है उस तरह से सभी पुलिस ने करना चाहिए। और एक अपील करूँगा पुलिस से कि बहु बेटियों के मामले में जो भी अगर केसेस आते हैं आपके पास तो कृपया करके आप उनको घरेलू झगड़ा है करके टाल मत दीजिए, क्योंकि उसके बाद उसमें बहुत सी गंभीर तरह से इस तरह से जो घटना हुई है उस तरह से होने के चांसेस रहते हैं। इसी घटना में जैसा कि वाली में FIR तकरार हुई थी, लेकिन उसका छानबीन अगर उसी टाइम हो गया होता तो बराबर ये घटना नहीं घटती थी। तो ये हम बात कर रहे थे अभी, यहाँ एक जो खास पॉइंट निकल के आया वो पॉइंट है लिव इन रिलेशन। क्या लिव इन रिलेशन भारतीय संस्कृति में सही है? तो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशन से माँ बाप को ये बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि लिव इन रिलेशन कतई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पल का प्यार जो है वो प्यार नहीं होता है। माँ बाप एक बच्चे को जो कई सालों तक उसकी परवरिश करते हैं, अगर कुछ पल के प्यार में वो बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ दे, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, तो क्या उन माँ बाप को वो उन माँ बाप के प्यार का वो हक अदा कर पाएगा और क्या उसके साथ में ज़िंदगी में कभी वो खुश हो पाएगा? इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक ये ज़रूर हुई है। हालांकि इस ये कहकर हम आरोपी को कतई ही सपोर्ट नहीं कर सकते, आरोपी का कतई सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। आरोपी के खिलाफ जो मामला बनता है, अब तक पुलिस ने काफ़ी सराहनीय काम किया है, लेकिन इसके आगे पुलिस की चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक बार कोर्ट में ट्रायल में मामला जाने के बाद पुलिस की जो जांच है उस पर कई बार सवाल उठते हैं और जब ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता है, मीडिया भी सामने नहीं होती है, तब कहीं ना कहीं आरोपी जो छकड़े रस्ते हैं उनसे निकल के चले जाते हैं। तो इन मामलों में कम से कम ऐसे मामलों में इस तरह के हालात ना हो, यह आज के देश में लोगों की मांग है। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।